बिल्ली चूहे को तो मार देती है तुरंत, लेकिन अपने बच्चे को गले से पकड़ती है ना, तो भी इतने सॉफ्ट पकड़ होती है उसकी। वो ही दाढ़ जब चूहे को दबाती है तो क्रूरता से दबाती है, उसकी जान ले लेती है, और अपने बच्चे को जब गले से पकड़ती है तो बहुत सॉफ्टनेस से पकड़ती है, उसको नहीं मारती, उसको खरोंच भी नहीं आने देती अपने बच्चे को। तो ये क्यों ऐसा करता है? वो तो हिंसक प्राणी है, अपने बच्चे को क्यों बचा रहा है? उसमें प्रेम है। तो जहां जहां हमारा प्रेम होता है, प्रीति होती है, वहां वहां हम अहिंसक होते हैं, हिंसा नहीं करते हैं वहां। तो अहिंसा का आधार क्या है? प्रेम। और प्रेम का आधार क्या है? प्रेम हम किससे करते हैं? प्रेम हमारा किससे बढ़ जाता है? प्रेम का आधार है सेवा। जो कोई हमारी सेवा करता है या हम जिसकी सेवा करते हैं, उससे हमारी प्रीति हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है हमारा। बच्चा माँ से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि माँ सेवा करती है बच्चे की। अपने मालिक से प्रीति क्यों हो जाती है? गुरु से प्रीति क्यों हो जाती है? गुरु हमारी सेवा कर रहे हैं, हम गुरु की सेवा करते हैं, इसलिए प्रीति हो जाती है। तो सेवा से प्रीति बढ़ती है। तो प्रेम का भी आधार क्या है? सेवा। और सेवा का आधार क्या है? सेवा किसकी करते हैं हम? सेवा का आधार है अपनापन। जिसको हम अपना मानते हैं उनकी सेवा करते हैं हम। माँ अपने वाले बच्चे के लिए तो रात भर जग सकती है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा यदि बीमार है तो फिर झुंझलाती है, पूरी रात होगी आज इस बच्चे ने सोने नहीं दिया, फिर झुंझलाती है पड़ोसी वाले के लिए। अपने वाले के लिए दुआ मांगती है कि किसी तरह बच्चे को नींद आ जाए। तो हम सेवा उनकी करते हैं जहां अपनापन लगता है हमें, कि ये मेरा अपना है, मेरा अपना पति है, मेरी अपनी पत्नी है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है, मेरा गुरु है, मेरा शिष्य है, मेरा देशवासी है, मेरा समाजवादी वासी है, मेरी जाति वाला है, मेरे गोत्र वाला है। जहां मैंपन जुड़ जाता है वहां हम सेवा करते हैं। और ये ही ज्ञान है, ज्ञान भी यहीं से होता है, जो सब लोगों में अपने ही स्वरूप को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानत। जो सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, कि जैसे मैं आत्मा हूं वैसी ही आत्मा इसमें भी है, तो फिर वो व्यक्ति उसकी हिंसा नहीं कर सकता है। फिर वो उस व्यक्ति से, क्योंकि मैंपन आ गया ना, मैंपन आ गया तो किसकी? मेरा ही है। वो भी जिसने घर में मुझे कष्ट दे दिया। पति पत्नी का कितनी बार झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ साथ रहते हैं। उनको कही कि कल तो झगड़ा हो गया था, आपका तो संन्यास ले लो ना, छोड़ो ऐसी पत्नी को। बोलती कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया तो है तो अपनी ही। उसमें अपनापन लगता है। पत्नी को बोले कि ये आपके पति रोज आपको डांटते रहते हैं, अपमान करते हैं, झगड़ा करते हैं, आयो ना आप हमारे पास। बोल जी अपने ही है, कोई बात नहीं, डांट दिया था। तो वहां अपनापन जहां होता है वहां हम हानि नहीं करते हैं, कितना सहते हैं अपने घर में, अपने बच्चों को कितना सहते हैं, अपने माता पिता को, अपने पति पत्नी को, मित्रों को। जहां अपनापन होता है वहां हम बड़े से बड़े संघर्ष को सह जाते हैं, क्योंकि वो मेरा है, अपना है। जीभ कभी कभी दांतों के बीच में आ जाती है और कट जाती है। दांतों ने हिंसा की ना जीभ की, तो क्या दांतों को तोड़ते हैं क्या हम? कि तुमने जीभ को काटा इसलिए अब तुम्हें हम बताते हैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ते हैं दांत को? क्योंकि दांत भी मेरा ही है, जीभ तो कट ही गई, एक पीड़ा तो हो ही गई, इसको यदि तोड़ा तो पीड़ा डबल हो जाएगी, इसलिए इसको बचाना। कोई नहीं, दांत मेरा ही है, तो मेरे से ही तो मेरे की हानि हुई। तो जहां मेरापन आता है तो वहां हम क्षमा कर देते हैं, वहां हम सहन कर लेते हैं। तो परिवारों में हम क्षमाशील होते हैं, रिश्तों में हम क्षमाशील होते हैं, सहनशील होते हैं। आता है हमें सहन करना, आता है हमें क्षमा करना, लेकिन कितने एरिया में करते हैं क्षमा? अपने अपने वाले में करते हैं, पड़ोसी को नहीं करते हैं, दूसरे को नहीं। उसको बढ़ाना है, क्योंकि सब में वही आत्मा है, जो आपके बच्चे में है वही पड़ोसी के बच्चे में भी है, वही गरीब के बच्चे में भी है, सब में वही है। तो अहिंसा का लास्ट आधार क्या हो गया? अपनापन। अपनापन होगा तो सेवा होगी, सेवा करेंगे तो
प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो अहिंसा का पालन होगा, नहीं तो फिर हिंसा करेंगे हम। तो वहां रूट तक हमें जाना है। तो ये तीसरा गुण बताया इन्होंने, अहिंसा। अगला बताया क्षांति। शांति कब आती है आत्मा में? शांति आती है जब हम अनपेक्ष हो जाते हैं, किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। और दूसरों को जब हम क्षमा कर देते हैं, दूसरों को हम सहन कर लेते हैं। इसलिए क्षमा करना दुर्गुण नहीं है। कभी कभी हमें लगता है जी कितना क्षमा करें, घर में परिवार में कितने साल तक करें। ये ऐसा ही प्रश्न है घर परिवार में, जब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जी कितना सहन करें, कितने वर्षों से कर रहे हैं हम। और कभी कभी तो व्यक्ति इतना ज्यादा अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। कई मैंने माताओं को सुना ऐसे, बोले मैं ना 15 साल से जब से इस घर में आई, पहले मैंने इसकी माँ की सुनी, फिर इसकी भाभी के अत्याचार सहन किए, फिर इसके किए, अब पुत्र वधु आ गई, अब भी ये मेरे को दबाना चाह रहे, अब नहीं दबूंगी मैं, अब मैं महिला समिति में आकर के सेवा करूंगी, नहीं रहूंगी इनके पास। तो मैंने कहा बहन आपने ना इसका मतलब 15 साल भी सहन नहीं किया। वो जैसे प्रेशर कुकर में भाप जुड़ती रहती है, जुड़ती रहती है, जुड़ती रहती है, फिर सीटी मारती है एकदम से, तो आप तो जोड़ती जा रही थी, सहन कहाँ कर रही थी। सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर तो नहीं बोल रहे हैं और अंदर अंदर से प्रेशर कुकर बन रहे हैं, तो वो तो एक दिन ब्लास्ट हो ही जाएगा फिर। तो कभी भी अपने जीवन को प्रेशर कुकर नहीं बनने देना है। सहन करने का मतलब है, क्षमा करने का मतलब है, अपने चित्त को विचलित ना होने देना, ज्ञानपूर्वक। ज्ञानपूर्वक ही क्षमा कर सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा करना या सहन करना कमजोरी नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। दंड देना तो सरल है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। आपके पास ताकत थी, आपके पास पावर थी, फिर भी आपने उसको क्षमा कर दिया। क्षमा कोई योगी कर सकता है। महर्षि दयानंद ने क्षमा कर दिया अपने जहर देने वाले को। वो चाहते तो मृत्यु दंड भी दे सकते थे, लोगों को बता सकते थे, और केवल क्षमा ही नहीं किया, उसकी सहायता भी की, अपने पास से किराया निकाल के दिया कि तुम निकल जाओ यहां से, नहीं तो दूसरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। ये है क्षमा। अपने चित्त को विचलित नहीं होने दिया उन्होंने, और उसके प्रति कोई दुर्भाव भी नहीं लाया मन में। तो ठीक है, ये ईश्वर की लीला है। सीता माता ने क्षमा किया राक्षसियों को अशोक वाटिका में, जो रोज फरसे ले लेकर के डराती थी उसको, तेरी बोटी बोटी काट के नाश्ता कर जाएंगे, नहीं तो तू रावण की पत्नी बनना स्वीकार कर ले। वो बेचारी रोती थी कि तुम क्या जानोगी, तुम राक्षसी हो, तुम क्या जानो एक पतिव्रता की पीड़ा क्या होती है। मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कितना प्रेम है, क्या उनके प्रति मेरी भक्ति है, आप कैसे समझ सकोगी, तुम राक्षसी हो। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी कर रही हो, तुम्हें यही आदेश है डराने का, तुम डरा रही हो मुझे। तो जब हनुमान जी वहां पर गए तो वो तो देख रहे थे पेड़ पे बैठ करके कि कैसे कैसे वो डरा रही हैं राक्षसियां माता सीता को। तो उसने नीचे आके कहा कि माँ यदि तुम्हारा आदेश हो तो मैं इन सबको अभी काट के डाल दूं, राक्षसियों को, इनको मार दूं सबको, इन्होंने बहुत आपको कष्ट दिए। तो सीता माता ने कहा नहीं वत्स, ये तो अपने धर्म का पालन कर रही थी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही थी, इसमें मेरे कष्ट में इनका कोई दोष नहीं है, मेरा ही कोई पिछले जन्मों का ऐसा दोष रहा होगा, वो मैंने भुगत लिया अपना, अब मेरे मन में इनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है। इसको कहते हैं क्षमा। अपने मन में ही उन्होंने नहीं जोड़ा उनके प्रति दुर्भाव। तो ये हम जितने जितने ताकतवर होते हैं, और हमें ये गिनती नहीं करनी है कि जी कितने दिन क्षमा करें, कितने दिन सहन करें। क्या हम कभी ये पूछते हैं कि जी कितने दिन स्वस्थ रहें, योग आसन प्राणायाम ध्यान करके कितने दिन स्वस्थ रहें, कितने दिन रहें, कितने दिन रहें, जब तक जिए तब तक रहें। तो सहन कब तक करें, क्षमा कब तक करें, जब तक जीवन है तब तक करें। क्योंकि वो हम किसके लिए कर रहे हैं, योग प्राणायाम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए। तो जब तक अपना अस्तित्व है तब तक करें। क्षमा किसके लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्षमा करके किसको सुख ज्यादा मिलता है, मुझे ज्यादा मिलता है,
हो सकता है अगला व्यक्ति तो उसको मेरी कमजोरी से मान करके वो सुखी ना भी हो, उसका द्वेष और बढ़ जाए, पर मुझे तो सुख मिल रहा है ना। जगन्नाथ जिसने विष पिलाया था, पता नहीं उसने तो अपना आत्म उद्धार किया या नहीं किया, लेकिन महर्षि दयानंद ने क्षमा किसके लिए किया था? अपने लिए, कि मेरी आत्मा में कोई बदले की भावना, कोई क्षोभ उत्पन्न ना हो, इसलिए हम शांत हैं। तो जब तक जिंदा हैं तब तक दूसरे को सहन करना है, जब तक जिंदा हैं, जब तक हमें शांति चाहिए, तब तक दूसरे को क्षमा करना है। क्षमा वीरस्य भूषणम्। बहुत ताकत लगती है दूसरे को क्षमा करने में, ऐसे नहीं होता है। क्षमा कहना तो सरल है, पर जब वो सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, तो फिर हम उसके लिए बोल ही देते हैं कि ठीक है, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं, आप अलग रहो, हम अलग रहते हैं। हम नहीं क्षमा कर पाते। घर में हमारी पुत्र वधु भी होती है, हमारी बेटी भी होती है। जब बेटी कोई दोष करती है तो माँ मन में ही नहीं लेती है, और कभी कभी उसको बता भी देती है, उसको डांट भी देती है, लेकिन मन में क्षमा का ही भाव होता है, कोई दुर्भाव नहीं होता है। और जब पुत्र वधु आकर के किचन में कोई खाना गलत बना दे, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दे, भिंडी को ज्यादा भून दे, तो बोलते तो नहीं है कुछ भी, लेकिन अंदर से क्षमा भी नहीं करते। तेरी माँ ने यही सिखाया था क्या? कुछ भी सीख के नहीं आई क्या? है जी? अब हाँ, बोलते नहीं है भाई साहब, लेकिन मन मन में ऐसे भाव रहता है, बेटी के प्रति जेल हो जाएगी। हाँ, तो वो बोलती तो इसलिए नहीं है ना कि जेल हो जाएगी, तो लेकिन मन में तो भाव है ना कि भाई इनको कुछ आते हैं, वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए डर रही है, इसलिए नहीं बोलती है। लेकिन दोनों के भाव का अंतर हम महसूस कर सकते हैं। एक भाव अपनी बेटी के प्रति होता है, एक भाव बहू के प्रति होता है। चुप दोनों ही स्थितियों में, बल्कि एक वाली में तो बोल भी देते हैं कभी कभी। तो एक है क्षमा, अपने वाले को हम क्षमा करते हैं, उसको हम सहन कर लेते हैं, अपने वाले को। अपना बेटा भी तो कितने सारे अपराध करता है, लेकिन क्योंकि वो अपना है इसलिए उसको तो सहते जाते हैं। और बहू जब वही अपराध करती है उसको सहन नहीं करते हैं, क्योंकि उसको अभी हमने अपना नहीं माना है। हैं ऐसे लोग भी कुछ जो अपने बेटों से भी ज्यादा उसको मान लेते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही हूं। जहां जहां अपनापन होगा वहां वहां व्यक्ति क्षमा कर देगा, वहां वहां वो सहनशील होगा। लेकिन ये हमें बिल्कुल क्लियर कट तय कर लेना चाहिए कि ये, मैं गीता भी उसी बात को कह रही है, ये सब मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं मेरे लिए कर रहा हूं। जब आपको पता लग गया कि मैंने यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं किया, उसी दिन मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तो रोजाना करते हैं ना अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जब टाइम मिले तभी करने लग जाते हैं, ट्रेन में बैठे भी करने लग जाते हैं, बस में चलते भी करने लग जाते हैं, जब भी टाइम मिले ऐसे करने लग जाते हैं। क्यों क्यों करते हैं? गुरुजी ने तो कहा ही नहीं। हमें ये पता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए हम कभी भी करते हैं। उसको जितना बढ़ाएं उतनी अपनी संपत्ति बढ़ेगी, अपना आरोग्य बढ़ेगा, इसलिए जितना सहन करेंगे, जितना क्षमा करेंगे, उतनी अपनी आत्मा की ताकत बढ़ती है, अपना आत्मबल बढ़ता है, अपना आत्म गौरव बढ़ता है, आत्म सम्मान बढ़ता है। इसलिए मेरा अपमान कोई दूसरा नहीं करता है, मेरा अपमान मैं खुद कर लेता हूं। मैं अपनी दृष्टि में अपने आत्म गौरव को बना करके नहीं रख पाता हूं, इसलिए दूसरे भी मेरा करते हैं। और मेरा आत्म गौरव, मेरा ज्ञान, मेरा आत्म सम्मान, ये दूसरे के कहने से नहीं बढ़ेगा, मेरे से बढ़ेगा। और मेरे से कब बढ़ेगा? जब मैं इन गुणों का पालन करूंगा जो गीता बता रही है। तो गीता ने कहा, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। अगला शब्द है आर्जवम। आर्जव ऋजु से बनता है आर्जव, आर्जवम माने सरलता। बहुत सुंदर शब्द है। अर्जुन शब्द भी ऋजु से ही बना है, ऋजु धातु से। ऋजु धातु का अर्थ होता है सरलता, और आर्जव शब्द भी ऋजु धातु से बना है। अर्जुन, अर्जुन नाम जो है, यहां जो कैरेक्टर है एक गीता का, श्री कृष्ण का जो शिष्य है, उस अर्जुन का नाम भी होता है सरल, ऋजु। ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी? अर्जुन को। अर्जुन मतलब सरल। जो सरल होगा
उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वामी जी भजन गाते हैं ना, सरल हृदय को शरण में राखे प्रभु भोले नादान रे, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमकी, सब में उसी का है वास रे, सब में उसी का है वास रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। मंदिर जाए तीर्थ जाए अनगिन देव मनाए रे, दीन रूप में प्रभु खड़े हैं देख के नैन चुराए रे। मन की आँखें खुल जाए तो क्या करना और जान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। तो सरल हृदय को शरण में रखे प्रभु, जो सरल हृदय होता है उसको भगवान अपनी शरण में रखते हैं। इसलिए यहाँ एक क्वालिटी बताई आर्जवम, जो दैवी संपदा है उसमें भी आया है, यही आए हैं यही गुण। स्वामी जी महाराज ने याद करवाए ना हमें, अभयम सत्व संशुद्धिर जान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आर्जवम आया ना वहां भी, ये यहां भी आर्जवम आया। ऋजुता वहां आया दैवी संपद, जिसको दैवी संपद कमानी है तो उसको ऋजु होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा। छल कपट वाला व्यक्ति वास्तव में कपट दूसरे के साथ नहीं करता, वास्तव में वो चीटिंग अपने साथ करता है। जहां जहां भी हम चीटिंग करते हैं ना, कपट करते हैं, वो किसी दूसरे के साथ नहीं करते, अपने ही साथ करते हैं। हमारी आत्मा तो देख ही रही है, दूसरे ने तो नहीं देखा, दूसरे की दृष्टि में तो हम नहीं गिरे, लेकिन हम अपनी आत्मा की दृष्टि में तो गिर गई, गिर चुके हैं। और जो अपनी दृष्टि में गिर गया वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता है, और जो अपनी दृष्टि में नहीं गिरा उसको कोई गिरा नहीं सकता है। जो अपने असूलों का पक्का है, अपने सिद्धांतों का पक्का है, अपनी दृष्टि में कभी नहीं गिरता है, उसको सारी दुनिया गिराने की कोशिश करे वो व्यक्ति कभी नहीं गिर सकता है। उसमें इतना आत्मबल आता है, ताकत आती है उसमें इतनी। लेकिन आता किस में है ये आत्मबल? जो सरल होगा। गीता कहां से शुरू हुई आपको पता है? अर्जुन की क्या हालत थी जहां से गीता शुरू हुई? बिल्कुल विषाद में डूबा हुआ था, और कृष्ण भगवान उसको लेके गए, दिखा रहे देखो इनके साथ युद्ध करना है तेरे को, देख ले पहले कितना बल चाहिए। तो उनको देखते ही
बोले सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरे को तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं इनको देख करके। सीदन्ति मम गात्राणि, मेरा मुख सूख रहा है। मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में, कंपायमान हो रहा है पूरा शरीर। रोम हर्षश्च जायते, हालत ऐसी हो रही है। अगर अर्जुन कपट करता, ऋजु नहीं होता, सरल नहीं होता, तो उस समय क्या कहता भगवान कृष्ण से कि जी मेरी हालत देख रहे हैं ना आप, कितने पसीने आ रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। तो भगवान कृष्ण पूछते कि क्या हो गया, बोले मुझे नहीं पता क्या हो गया। तो तुरंत उसको कहीं आईसीयू में भर्ती करवाते, फिर वे देखें क्या रोग हो गया इसको। तो युद्ध करने से तो पीछे छूट जाता, अपने आप ही लेके जाते भगवान कृष्ण, कहीं लेके जाते उसको। लेकिन अर्जुन ने कपट नहीं किया। अर्जुन ने कहा ये मेरी जो हालत हो रही है ये किसी शारीरिक रोग के कारण नहीं हो रही है, मुझे तो मन की बीमारी है, मानसिक रोग है, मोह पैदा हो गया है मुझे। मुझे ये अपने संबंधी खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर प्रहार करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है मेरी। तो स्पष्ट बताया उन्होंने, नहीं तो कोई बहाना भी तो मार सकता था ना किसी, पता नहीं मुझे तो क्या हो गया, ऐसी हालत में मैं कैसे लड़ सकता हूं। तो युद्ध ही तो टालना था उसको, तो युद्ध तो टल जाता है ऐसे कपट करके भी। लेकिन अर्जुन कैसा है, जो उसके मन में आया वो प्रश्न पूछता ही गया, एक के बाद दूसरा तीसरा, कुछ भी छिपाया नहीं उसने। और ऐसे विद्वान लोग बताते हैं कि गुरु के पास, डॉक्टर के पास और माता पिता के पास कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। कम से कम इन तीन के सामने कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, बीमारी को आपने छिपा लिया तो ठीक कैसे करेगा। गुरु की शरण में आके, गुरु के सामने भी यदि ऋजु नहीं बने, सरल नहीं बने, वहां भी हमने लीपा पोती करके रखी, तो अंदर के दोष मिटाएगा कौन। वहां तो बताना चाहिए ये दोष है मेरे अंदर, मेरी एक वीकनेस है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर प्रमाद है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर घृणा है, मेरे अंदर नफरत का बीज है, और मैं उसको हटाना चाहता हूं, कैसे हटाऊं। तब गुरु बताते हैं, तब वो कहते हैं कि ऐसे करो। तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति फिर प्रयास करता है, फिर वो बताते हैं कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, फिर गुरु हिम्मत देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं। तो जो भी महापुरुष बने, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं, चाहे वो महर्षि दयानंद हैं, चाहे वो अर्जुन हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने अपने गुरु के सामने कुछ भी छिपाया नहीं, ऋजु बने वो, सरल बने। और आप भी देखते हैं अपने घर में, जो बच्चा सरल होता है उसके प्रति आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी करुणा ज्यादा होती है। और जो बच्चा आपका अपना ही बेटा बेटी है लेकिन वो थोड़ी सी भी कुटिलता रखता है मन में, छिपाता है, तो फिर आपकी कृपा भी थोड़ी सी बच जाती है कि चलो इसको चालाकी कर लेने दो, मैं तो इसका बाप हूं, मैं तो इसकी माँ हूं, मुझे तो पता ही है सारा, कर लेने दो इसको। तो यहाँ बहुत बड़ा गुण बताया है ये। और ये केवल माता पिता गुरु के सामने तो इसलिए बताया कि वो कभी हमारा अहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने भी यदि हम सरल हैं तो हो सकता है हमें कोई दूसरा व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से कभी ठग ले, कभी धोखा दे दे, हो सकता है सांसारिक दृष्टि से हमारा कोई नुकसान कर दे वो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो सरल व्यक्ति है उसकी रक्षा खुद भगवान करता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को सरल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हटाना चाहिए, ये बोझ होता है कुटिलताओं का हमारे चित्त के ऊपर। और बोझा लेकर के कभी कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ सकता है। किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना है, और 50 किलो वजन हो उसके पास, कैसे चढ़ पाएगा। सब उसका वजन नीचे रखवा देते हैं, वजन लेके ऊंचाई पे नहीं चढ़ा जा सकता। तो जैसे शारीरिक वजन लेकर के भौतिक ऊंचाई पे चढ़ना कठिन है, वैसे ही चित्त के ऊपर, मन के ऊपर वजन लेकर के आध्यात्मिक चढ़ाई को चढ़ना बहुत कठिन है, नहीं चढ़ सकता है व्यक्ति। तो मन का बोझ उतारना है, बोझा हल्का करना है मन का, जितना हो मन से सब चीजें निकाल दो। किसी के प्रति कोई गांठ बांध भी रखी थी आज तक, तो आज पतंजलि योगपीठ में आके जैसे कपालभाति करके स्थूल
फूल गांठों को जैसे डिजोल्व कर देते हैं हम, ऐसे मन की गांठों को भी डिजोल्व कर देना, अपनी तरफ से डिजोल्व कर देना। कोई दूसरा व्यक्ति बांध के रखे भले ही रखे, पर मेरा चित्त तो हल्का हो गया तो मुझे पूरा लाभ हो जाएगा पतंजलि योग पीठ आने का। स्वामी जी महाराज जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूँ, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने कभी किसी की गांठ बांध के नहीं रखी अपने चित्त में। कितने लोगों ने अपकार किया, लेकिन उन अपकार करने वालों का भी स्वामी जी महाराज ने उपकार ही किया। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, तो वो मुझे माफ करें या ना करें, पर मैंने आज से उनको अपने यहां से माफ कर दिया है। तो जो भी कोई एक व्यक्ति हमारे चित्त में है या एक से ज्यादा है, तो कम से कम एक को आज से ही, अभी से ही माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि योग करके आपके चित्त में अब वो पावर आ गई है। हो सकता है इस होल के बाहर जाने के बाद ये विचार चेंज हो जाए कि नहीं, थोड़ा तो बदला लेके ही रहूंगा, लेकिन एक स्थान की भी चेतना होती है। जिस स्थान में आप बैठे हैं, ये योग का स्थान है, ये पवित्र स्थान है, ये चेतना, ये मेंटेलिटी यहीं उत्पन्न हो सकती है, और इसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसी चित्त की स्थिति बनी, उसी समय बोलने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तो गुरु के दर पे अपने मस्तक को झुका करके कि गुरुदेव ये गांठ है ना, ये बड़ा परेशान कर रही थी कई दिन से, आज आपके दर पे आके मैंने सिर झुका दिया है, और आपने जो मुझे पावर दी, जो योग से शक्ति दी, उससे आज से मैंने उसको क्षमा कर दिया है। बिल्कुल हल्के होकर के जाएंगे, तो ये सच्चा गंगा स्नान हो जाएगा, दशहरा बन जाएगा, गंगा दशहरा बन जाएगा। फिर आगे सुनिए, शांति, आर्जवम, ऋजुता, सरलता। तो मैं बता रही थी कि अर्जुन ऐसी स्थिति से चला था, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और वही अर्जुन 16वें अध्याय में जाकर के बोल रहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा गुरु मिलना भी बड़ा कठिन है, स्वामी जी महाराज जैसा गुरु मिलना भी बड़ा कठिन है, जो रोग को समाप्त करके ही छोड़े, जो जो आपने बता दिया उसको तो समाप्त कर दिया, बीपी बताया, शुगर बताया, मोटापा बताया, थायराइड बताया, उसको तो समाप्त कर दिया, अंदर का बताएंगे तो अंदर वाला भी समाप्त कर देंगे, तो उनकी टेंडेंसी है कि वो रोग के नाशक है, कुल व्याधि के सतगुरु नाशक। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन के वो हथियार डालता रहा, लेकिन गुरु ने हिम्मत नहीं हारी, कभी उसको प्रेरित किया, क्लेव्यम मास मा गमय पार्थे, क्या ये नपुंसकता की बातें कर रहा है, नहीं तत्व उपपद्धति, ये तुझे शोभा नहीं देता है। कभी उसको प्रीति से समझाया, कभी उसको ज्ञान की बातें बताई, कभी कर्म योग की बातें बताई, कभी भक्ति योग की बातें बताई, लेकिन अच्छा गुरु, अच्छा आचार्य वही होता है जो अपने ज्ञान को अपने शिष्य के चित्त में आधान कर दे, वही अच्छा टीचर होता है, वही अच्छा आचार्य होता है। नहीं तो हम कहें जी हमारी बात सुनते नहीं है, क्या करें, माता पिता ऐसे कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, जी बच्चे सुनते ही नहीं है। अच्छे माता पिता वही हैं जो अपने सद्गुणों को अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने आने वाली पीढ़ियों में उतार दें, वो माता पिता अच्छे होते हैं।